सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री सर जी चैनल को और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए केमिस्ट्री के हर एक वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो एक सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो एड्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, तो यहाँ पे हमें वो देखना है। तो देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन होने का फर्स्ट एक रीजन ध्यान से समझना कि मान लो मैंने बीकर के अंदर कुछ कलर सब्सटेंस लिया है, कलर सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे फिलअप किया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ कलर पार्टिकल्स हो गए, डाई पार्टिकल्स भी जिन्हें हम लोग बुला सकते हैं कि डाई पार्टिकल्स है। जब इनके अंदर में कोई भी एड्सॉर्ब बैंड, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, तो मान लो यहाँ पे मैंने कुछ एड्सॉर्ब बैंड डाल दिया, ये मेरा है एड्सॉर्ब बैंड। एड्सॉर्बेंट मोस्टली पाउडर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जितना पाउडर फॉर्म होगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एड्सॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा। तो ये एड्सॉर्प्शन फर्स्ट एक रीजन है। कैसे? तो यहाँ पे हम लोग इसको जूम करके देखते हैं कि जो एड्सॉर्बेंट है, अगर उसका आप लोग कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उनके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसके अंदर। इतना सा हम पोर्शन दिखा देते हैं यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट एक रीजन क्या है, तो फर्स्ट रीजन कि ये जो इनियर मोलेक्यूल्स हो गए, मान लो ये अंदर वाला एक मोलेक्यूल्स होगा, तो वो हर एक डायरेक्शन से उसको इंटर मोलेक्यूलर फोर्स लगता होगा, यानी ऊपर से जितना खींचेगा वो नीचे से भी उतना अनदर मोलेक्यूल्स खींचेगा, आसपास से भी खींचेगा, यानी जो इनियर बल्क वाले मोलेक्यूल्स हो गए वो बैलेंस हो गए। अभी जो ऊपर वाले कोई भी मोलेक्यूल्स आप लोग एक कंसिडर करो कि उसके सरफेस के ऊपर जो भी ऐसे मोलेक्यूल्स हो गए वो अनबैलेंस हो गए, क्योंकि उसके तरफ हर एक डायरेक्शन में से फोर्स नहीं आने वाला है, यानी ये अनबैलेंस है। तो ये अनबैलेंस जो मोलेक्यूल्स है उसे कहते हैं रेसिडुअल फोर्स, उसके पास जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, रेसिडुअल फोर्स। और वही पहला रीजन है एड्सॉर्प्शन होने का, कि जैसे ही एड्सॉर्बेंट हमने डाल दिया तो ये जो मोलेक्यूल्स है, जो डाई पार्टिकल्स है, वो इसके सरफेस पे आके डिपॉजिट हो गए। क्यों डिपॉजिट हो गए? क्योंकि ये जो एड्सॉर्बेंट है उसके मोलेक्यूल्स के पास रेसिडुअल फोर्स है, यानी वो दूसरे मोलेक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, यानी वो मोलेक्यूल्स जो अंदर डाई पार्टिकल्स हो गए, जो एड्सॉर्बेंट हो गए, वो एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। तो फर्स्ट स्टूडेंट ये हुआ अपना रीजन, एड्सॉर्प्शन होने का फर्स्ट रीजन ये होता है फोर्सेस। नाउ सेकंड रीजन, तो सेकंड रीजन बार बार हम डिस्कस करते हैं कि जितना अपना एड्सॉर्बेंट पोरस होगा उतना एड्सॉर्प्शन अच्छा होगा। सेकंड पॉइंट कि जितना एड्सॉर्बेंट पाउडर फॉर्म होगा तो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी एड्सॉर्प्शन अच्छा होगा। और सेकंड एक चीज कि जो एड्सॉर्प्शन है, ये खास नोट करना कि जो एड्सॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी आप लोग को मालूम है एंथैल्पी चेंज कैसा होगा, नेगेटिव। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन अपने आप क्यों हो जाता है, कि मान लो कोई भी कलर सॉल्यूशन के अंदर एड्सॉर्बेंट डाला तो अपने आप पार्टिकल आके क्यों होती है रिएक्शन। तो हम लोगों को मालूम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच यानी होगा एंथैल्पी चेंज, टी टेम्परेचर, और डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज होगा डेल्टा एस। तो देखो डेल्टा एच अपना नेगेटिव है, टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एस यहां पे अभी देखते हैं एग्जांपल में कि एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जैसे जैसे मोलेक्यूल्स डिपॉजिट हो गए, पहले तो
एस यानी क्या, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंट्रोपी यानी क्या होगा, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो जैसे ही आप लोगों ने एड्सॉर्बेंट डाला सॉल्यूशन में तो ये जो पार्टिकल्स की रैंडमनेस है वो कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे आके डिपॉजिट हो गए, यानी यहां पे इसकी जो रैंडमनेस है सॉल्यूशन में वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी डेल्टा एस भी डिक्रीज होता है, टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा एस डिक्रीज यानी नेगेटिव होगा। तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा वो पूरा टर्म आपको मिलेगा पॉजिटिव टर्म, फिर से एक बार के माइनस टी इंटू डेल्टा एस कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव, क्यों, तो डेल्टा एस अपना कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, एंड एंथैल्पी कैसा होगा, नेगेटिव। तो जितना एंथैल्पी का वैल्यू मोर नेगेटिव उतना रिएक्शन एड्सॉर्प्शन इजीली हो जाएगा, ये खास नोट करना। फिर धीरे धीरे क्या होगा, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों वैल्यू सेम यानी आपका जो डेल्टा जी होगा वो कैसा होगा, जीरो, और हमें पता है स्टूडेंट कि डेल्टा जी जब जीरो बन जाएगा तो रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, यानी जितने मोलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो गए उतने ही फिर से क्या हो जाएंगे, डिसॉर्ब हो जाएंगे, यानी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।